हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज बनाते हैं कच्चे आलू का चीला। तो उसके लिए मैंने सबसे पहले लिया है गेहूं का आटा, एक कटोरी बेसन, अब इसमें ऐड करूंगी मैं कुछ मसाले, हल्दी, नमक, ऐड किया उसमें थोड़ा सा जीरा, गरम मसाला, लाल देगी मिर्च, आप इसको अपने अकॉर्डिंग भी ऐड कर सकते हैं या स्किप भी कर सकते हैं, और हरी मिर्च, कटा हुआ हरा धनिया, यहाँ पे मैंने आलू वॉश करके और छील के रख दिए थे। अब मैं इसे कद्दूकस करूँगी। अब मैं इनको एक बार फिर से वॉश करूँगी क्योंकि इसका ये जो आलू में कालापन होता है ये इसका निकल जाए। इसको अच्छे से वॉश कर लूँगी। अब इसको भी जो है इसमें ऐड कर दूंगी। अब इनको सबको अच्छे से मिक्स कर लूंगी। एक बैटर तैयार कर लेंगे इसका। हमारा बैटर जो है रेडी हो चुका है और साथ में ही मैंने गैस पे रख दिया था एक पैन। अभी हल्का गर्म हो चुका है, इसमें ऐड कर रही हूँ मैं हल्का सा ऑयल और इसको जो है चारों तरफ स्प्रेड कर दूँगी। तो अब बनाने जा रही हूँ मैं अपना चीला। इस बैटर को जो है इस तरह से पैन में कच्चे की मदद से इस तरह से चारों तरफ स्प्रेड किया और इसको फिर पकने के लिए रख दिया। ये एक साइड से हमारा चीला पक चुका है। अब मैं इसको दूसरी तरफ पलट दूंगी ताकि दूसरी तरफ से भी पक जाए। अब हमारा चीला जो है दोनों तरफ से अच्छे से पक चुका है। अब मैं इसको निकाल दूंगी। ये रेडी हो चुका है हमारा चीला जो बना है बहुत ही टेस्टी। इसी तरह से जो मैंने दूसरा चीला भी रेडी किया। ये चीला खाने में बहुत ही टेस्टी होता है और जल्दी से 10 मिनट में तैयार हो जाता है।
आप इसे बच्चों के टिफ़िन में भी दे सकते हैं और नाश्ते में या स्नैक्स में भी यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से मैंने और भी चीले रेडी किए। तो हम इसको जो है सॉस या चटनी के साथ भी खा सकते हैं या घी के साथ भी खा सकते हैं। तो मैंने लिया है यहाँ पे सॉस और चटनी और ये सच में ही बहुत क्रिस्पी और बहुत टेस्टी बने थे। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।